नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। तो इससे पूर्व कुछ दिनों से हम एंजियोरिमेटिक एक्सरसाइज कर रहे थे या सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे। अब इसके पश्चात ये जो हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, टो टू हेड आईज और गर्दन की भी हमने एक्सरसाइज कर ली, शोल्डर की कर ली, थोड़ी सी कमर की बाकी है और प्लस हमारे जो लेग है उनकी कुछ एक्सरसाइज बाकी है। वो करने के पश्चात आज हम ईएफटी भी थोड़ा सा करेंगे, समय देखते हुए। चलिए, क्योंकि किन्होंने कहा है कि आप ऑफिस में बैठने वाले थे तो ऑफिस अब स्टार्ट हो चुकी है, तो ऑफिस में जो लोग जाते हैं उनकी ओवर सिटिंग हो जाती है, प्लस कांस्टेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल सा बॉडी के अंदर आ जाता है और रेस्टलेसनेस भी महसूस होती है, एंजाइटी होती है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो चेयर पे बैठ के ही की जाए। तो कुछ एक्सरसाइज हम वो भी करना चाहेंगे, पहले मैं करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा रिपीट करेंगे। आप सीधे खड़े हो जाएं, आप चाहे तो चेयर का सहारा ले सकते हैं, चाहे तो टेबल का सहारा ले सकते हैं, चाहे तो मुड़े का सहारा, लेकिन चेयर सबसे बेस्ट रहती है। आप वॉल की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं अपने शरीर का टांगों के ऊपर तो आप घबराइए नहीं, आप कुर्सी की हेल्प ले सकते हैं, दीवार की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कमर के ऊपर दोनों हाथ रख लीजिए और अपनी टो जो है एक राइट लेग के ऊपर पूरा वजन दे दीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस टो को आगे कर दीजिए। लेफ्ट लेग की टो जो पंजा है पैर का उसको आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो आगे की तरफ आएगा तो ऐसे रखेंगे जिसका आप देखकर पंजा तो नीचे है लेकिन एड़ी जो है ऊपर की तरफ है। इसी प्रकार इसको पीछे ले जाएंगे, अब जो पंजा है वो नीचे की तरफ लगा हुआ, एड़ी ऊपर की तरफ है और पूरी जो टांग है वो सीधी रहेगी। आप देख रहे हैं घुटना मुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधा रहेगा। चलिए करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इसको सीधा रखने की कोशिश करनी है, यही एक्सरसाइज। अब इस पैर से करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आपने एड़ी लगाई और पंजे को ऊपर की तरफ रखा तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो पिंडली नहीं है, ये पिंडली है वो काफी यहाँ स्ट्रेचिंग आप महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रही है, बस यही इसकी विशेषता है। और यहाँ से ये यहाँ तक हिप्स तक जाती है। पीछे की तरफ करिए, अब फील करिए कि इसका स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप फील करिए। हाँ, मैं पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट, अभी आप हेल्प ले लेंगे, देखिए चेयर की हेल्प ले लीजिए और इस पैर को थोड़ा सा उठा लीजिए और रोटेशन दीजिए। डायरेक्शन में
बहुत अच्छे हैं। नाउ चेंज द लेग, अपने पैर को इस तरह से उठाइए, कितने लेवल पे मैंने उठाया है, पूरा 90 एंगल पे इसको उठाइए यहाँ, और उसके बाद रोटेशन क्लॉकवाइज टाइम, क्योंकि ऑफिस में आपके पास टाइम भी उसके अकॉर्डिंग हो, 3-4 बार करके उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आपने पैर को ऊपर तक उठाया था, अभी इसे वापिस ऐसे उठा लीजिए, जैसे कि हम कदम ताल कर रहे हैं, पूरा आगे की तरफ। उसके पश्चात आप साइड में हो जाएंगे, जो लोग अपनी कमर के ऊपर हाथ रखके कर सकते हैं वो कमर पे हाथ रखके कर सकते हैं। इस पैर को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने के बाद इसे साइड में ले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि कहां कहां पर स्ट्रेचिंग का एहसास हो रहा है, यहाँ पे है, इसी प्रकार ये जो साइड है इसमें, फ्रंट में ले आइए, फिर इसे साइड में ले जाइए। अगर आप इसे पुश करना चाहते हैं तो पुश करके इसे ले जाइए, तो देखिए आपके इसमें जो सर्टेन पॉइंट्स हैं वहां पर स्ट्रेचिंग हो रही है। 3-4 बार करिए, नाउ चेंज द साइड, और फिर ये पैर पहले ऊपर उठाया, उसके बाद में इसे साइड में ले जाइए, वापिस आगे लाइए, फिर साइड में, फिर आगे लाएं। आप देख रहे हैं कि अगर आपने ये चेयर होल्ड करी है तो आपकी इस मसल तक यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, उसकी इसकी इफेक्ट हो रही है। अब सीधा पैर उठाने की कोशिश करेंगे ऊपर तक, ऐसे जैसे आप चेयर को ऐसे ही पकड़ सकते हैं, पकड़ने के पश्चात सीधे खड़े होके, जैसे मैंने ये एक्सरसाइज कराई थी, ये साइड टू साइड ऐसे भी चेयर को पकड़ कर आप कर सकते हैं। इसमें आपने कोशिश ये करनी है, ये मेरा जो घुटना है पूरा इसके साथ लगे, जैसे ये है तो ये पूरा ऐसे लग जाए कुर्सी के साथ, इससे आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, सामने उठाने की कोशिश करेंगे जितना उठ सकता है, वापिस लाएंगे, सामने स्ट्रेचिंग करेंगे, ऑल्टरनेटिव धीरे धीरे आप इसे और ऊपर उठाते जाएं। नी बैंड नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है, अगर आपको आ जाए तो आप बहुत अच्छे से दीवार की भी सपोर्ट ले सकते हैं, इसकी भी ले सकते हैं, और धीरे से अपना पैर उठाकर ये सीधा कर दीजिए। इस टो को अपने शरीर की तरफ खींचिए और छोड़ देंगे, तब ये बिल्कुल पैर सीधा रहेगा। आप देख रहे हैं घुटने के पीछे कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। उसके पश्चात होल्ड द चेयर, ट्राई टू लिफ्ट जितना आप कर सकते हैं, नी बेंड नहीं करते हैं, अगर आप होल्ड करके इसको और ऊपर ला सकते हैं तो और ऊपर लाएं, ऐसे सीधा और छोड़ दीजिए। इस प्रकार की आपने प्रैक्टिस करनी, फिर आप चाहें तो ये जो मेरा पैर है उसको मैंने यहाँ उठाया और यहाँ रख दिया, ऐसे जैसे कि पद्मासन लगाते हैं तो उसमें हम थाइस भी रखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आप खड़े हो जाइए। टांग सीधी रहेगी, ध्यान सांसों पे छोड़ दीजिए। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएंगे,
गंगा मुख में लगाएंगे इसे, जैसे कि पद्मासन करना है। अगर और यहाँ होल्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं, इस पैर को यहाँ पे होल्ड करें। आप इसको ऊपर और नीचे ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, धीरे धीरे इसे इंक्रीज करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। इसके पश्चात आप अपनी इसको होल्ड करते हुए चेयर को आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है, फिर आगे की तरफ, फिर राइट साइड बैक में, जैसे कि हम पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। अभी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये एक्सरसाइज खड़े होके हम करते हैं, थोड़ा सा गैप रखें और पूरा ये कमर को पूरा हिलाना है, शोल्डर सीधे रहेंगे, सिर्फ ये हिस्सा जो है ये रोटेट हो रहा है, ये एक्सरसाइज होगी। इसी प्रकार आप यहाँ से इसको पकड़ के झुकने की एक्सरसाइज करते हैं, पूरा ऐसे झुक रहे हैं आप पकड़ते हुए, जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, जहां तक आप झुक सकते हैं, इसकी सपोर्ट भी ले सकते हैं, ये तो हाथों को ऐसे रखेंगे यहाँ रखेंगे, और आप देख रहे हैं कि आपके पीठ जो है वो पीठ जो अकड़ जाती है बैठे बैठे, वो क्या हो रही है, उसको बड़ी रेस्ट ली हुई है। लूज इट अगेन, टाइट इट, लूज इट अगेन, टाइट इट, बस। इसी प्रकार आप झुकने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कि ऑफिस में थोड़ी सी जगह पे आराम से आप ये चीज जो ऐसे करके नीचे जा सकते हैं। तो चलिए ये एक्सरसाइज हमने यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। उसके पश्चात एक और है, इसमें आपको बैठकर आपने क्या करना है, चेयर की हेल्प ले लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, ताकि आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहे, और पैर को उठाना है और इसे अपने पेट के साथ लगाने की कोशिश करनी है। छोड़ दीजिए, फिर दूसरी टांग से देखिए, बैक मेरी पूरी सीधी है, मैंने चेयर की सपोर्ट ली है, या ना भी ली हो, बैक एकदम सीधी, छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि थोड़ी थकान है या स्ट्रेस है, तो कृपया आप क्या करेंगे, रेस्ट, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा सांस जो है उखड़ रहा है या परेशानी हो रही है, उसे बंद कर दीजिए, और उसके पश्चात जब आप सांस की गति सम हो जाए, तो आगे की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक और है, हमने कल स्पोंडिलोसिस की एक्सरसाइज की थी, उसमें एक एक्सरसाइज आई है जो लेट के करने वाली है, और वो है भुजंगासन, वो मैं बताना चाहूंगी। आप सीधे जमीन पे लेट जाएंगे, पेट के बल सीधे, और उसके पश्चात दोनों हाथ अपनी छुट्टी के पास रख देंगे, दोनों हाथ अपनी चिन के पास ऐसे रख देंगे, और जो मेरी टोज है, जो टोज है मेरी, वो जैसे सांप की पूंछ होती है तो इकट्ठे होते हैं, आई विल गिव द साइड फॉर दो आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी। अभी आगे वाला पूंछ देंगे, उसके पश्चात इन दोनों हाथों को आपने
अपने कंधों के लेवल से कंधों तक ये फिंगर साइड ऐसे रखो, छाती के पास, शोल्डर के नीचे ये आगे की। और आगे से जो हाँ ये सिर है जो इसे ऊपर उठा, त्रिकुटे में ध्यान केंद्रित, पीछे से दो खींची हुई है, नीचे आ जाएंगे वापिस। आप दोनों हाथ जो है इसको ऐसे रख दीजिए, दोनों हाथ को। उसके पश्चात आपने क्या करना है, जैसे हम कदमों से आगे जाते हैं वैसे इसे ऐसे ऐसे आगे ले जाते, खुद नहीं खिसकना है, सिर्फ हाथ जो एल्बोज हैं वो आगे जाएंगे और पीछे आएंगे, और उस गर्दन को बिल्कुल आपने ऐसे टिका रखा है इसके ऊपर, रेस्ट बिल्कुल सीधा है जैसे अभी सीधा है। उसके पश्चात लेफ्ट को थोड़ा आगे किया, फिर राइट को आगे किया, फिर लेफ्ट को किया और राइट को किया, लेफ्ट को किया राइट। आप देख रहे हैं आपकी गर्दन की पोजीशन कैसे हो गई। उसके पश्चात पीछे ले जाए, तो गर्दन की पोजीशन देखते हो, जो लोग दूसरे एक्सरसाइज देख कर सकते आगे ले लें। अब इसको सेंटर में वापस रखिए। अब ये हाथ है गर्दन को राइट साइड में मैंने झुका दिया है, फिर राइट साइड में हमने आंखों की एक्सरसाइज करी थी, उसके अंदर ये भी एक आता है, इसके उपरांत आंखों के लिए प्राणायाम है, नेति है, जल नेति, सूत्र नेति। अगर मौका मिला तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी, हालांकि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सूत्र नेति, जल नेति ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, एक दिन आपको सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। सूर्य नमस्कार ऐसा है, इसको अगर 5 से 10 बार आप करें, धीरे धीरे इंक्रीज करें, लेकिन इसके पश्चात कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप में एक्सरसाइज का फुल पैकेज, तो वो भी आपको कराएंगे। अभी थोड़ा ईएफटी करा देते, चलिए कल फिर आपको ईएफटी एक्सरसाइज कराई जाएगी। आपने सेवा का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी आंख बंद कर लीजिए, गहरी सांस भीतर लीजिए और प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति सभी भाई बहनों को, ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप
सत श्री अकाल मूरत, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आपने योगिक एक्सरसाइजेस की, अपने को स्वस्थ बनाने के लिए अभी कई दिन से कई भाई बहन कह रहे थे कि हमें राजयोग के विषय में दोबारा बताओ, तो हम राजयोग की आज चर्चा करेंगे कि अगर हमें अपने ज़िंदगी को रिचार्ज करना है, जैसे अपने मोबाइल को रोज़ रिचार्ज करते हैं और सेल्फ एम्पावरमेंट करनी है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है, अपने आप को खोजना है, अपने आप को खो देना है, अपने आप को खो देना है, तो हमें इस मेडिटेशन की ज़रूरत है। राजयोग हम समझेंगे, राजयोग क्या है, ये हमें परमपिता परमात्मा का वरदान है। राजयोग परमपिता परमात्मा का, परमपिता परमात्मा शिव का इस पूर्ण मानवता के ऊपर ग्रेस, ये उनकी कृपा है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी, ये विधा हम सबको बताई कि बच्चे कैसे तुम्हें मेरे से कम्युनिकेट करना है, मेरे से कैसे जुड़ना है, कैसे कनेक्शन होगा, कैसे लिंक होगा, तो कैसे हम पावर को परमात्मा से ले सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल है, पावर हाउस, ओशन ऑफ पावर है, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब ऑलमाइटी से मिलेंगे तो हम बच्चे भी ऑलमाइटी हो जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा हमें शक्तिशाली बनाने आया है। देखो, वैसे भी सोचने की बात है, अगर किसी के माता पिता तो स्वस्थ हों और बच्चे कमज़ोर हों, चिड़चिड़े हों, रोते धोते रहते हों, तो माँ बाप को अच्छा लगता है कमज़ोर बच्चे जो थोड़ा सा मौसम बदले बीमार हो जाएं, कोई कुछ कह दे तो रोते रहें, कई माँ बाप के पीछे ही घूमते रहते हैं हर वक्त। परमपिता परमात्मा कहते हैं नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए, मुझे बलवान बच्चे चाहिए, मुझे महावीर चाहिए, मुझे महारथी चाहिए, मुझे शूरवीर बच्चे चाहिए, मुझे कमज़ोर बच्चे नहीं चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ, एक टेक्नोलॉजी देता हूँ जिससे तुम मेरे से कनेक्ट कर सकोगे और मुझसे पावर ले सकोगे, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकोगे और फिर शक्तिशाली बन जाओगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तुम कमज़ोर नहीं रहोगे, तुम रोना धोना बंद कर दोगे, तुम हर परिस्थिति का सामना करोगे। ऐसे बच्चे परमात्मा हमें देखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम कमज़ोर हों, हमारे भीतर कमज़ोरियां हों, हमारे भीतर एरर्स हों, ड्रॉबैक्स हों, ये परमात्मा नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरे बच्चे स्ट्रांग हों। इसलिए दिखाते हैं देवी देवता जो होते हैं, लक्ष्मी नारायण को देखो स्ट्रांग, शंकर जी को देखो स्ट्रांग है, ब्रह्मा जी को देखो स्ट्रांग है, रामकृष्ण स्ट्रांग है, परमात्मा के बच्चे सभी स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी पावर को हमें जगाना है। अभी हमारी पावर जो है 5% भी एक्सप्रेस नहीं होती। मनोविज्ञानी कहते हैं कि हमारी जो मेंटल पावर है वो 5% भी एक्सप्रेस नहीं होती, 95% हिडन है, अनटैप्ड है, ऐसी पड़ी अनयूज्ड। तो उसको अगर हम चाहते हैं,
जो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में है, कि हम उसको अवेकन करें, जागृत करें और अपने को शक्तिशाली बनाएं, अपने को डिविनाइज करें, अपने को एनर्जाइज करें, पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, तेजस्वी बनाएं। तो उस काम के लिए ये है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। तो आज हम राजयोग मेडिटेशन के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और बाद में किसी का कोई प्रश्न हो वो भी लेंगे, अगर आज पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज और कल मेरा विचार है, आज पूरा नहीं हुआ तो कल पूरा करेंगे, लेकिन पूरा तो हमें जो है करके और अपने आप को भी संपूर्ण बनाना है, परफेक्शन लानी है अपने अंदर, हमें स्ट्रांग आत्मा बनना है। तो अभी हम थोड़ी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। रिचार्ज योर सोल विद राजयोग, अपनी आत्मा को रिचार्ज करिए, चार्ज करिए और जीवन के इंचार्ज बनिए राजयोग के द्वारा। ये राजयोग बहुत प्राचीन है, भारत का जो है राजयोग ही प्रसिद्ध है, लेकिन कालांतर में ये योग भूल जाता है, लोग भूल जाते हैं और दूसरे योगासनों को ही लोग राजयोग समझने लगते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा आके हमें बताता है कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी इस राजयोग का अभ्यास कर सकते हो, कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जंगल जाने की जरूरत नहीं है, मन के अंदर ही एकांत बना लोगे तो मन में ही जंगल हो जाएगा, मन में शीतलता ले लो बना लोगे तो मन में ही हिमालय आ जाएगा। तो हमें जो है अपने भीतर ही ये घटना हमारे भीतर ही घटनी चाहिए, और हमें राजयोग द्वारा अपने को चार्ज कैसे करना है, राजयोग के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लाभ क्या हैं, वो हम देखेंगे। आज की शुरुआत थोड़ा सा ह्यूमर से कर रहे हैं, मुस्कुराने से कर रहे हैं। शेक्सपियर ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिए, वैसे भी कहते हैं ना भी मुस्कुराओ, हंसते रहो, तो उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों पे हंसो अगर हंसना है। शेक्सपियर ने कहा, लाफिंग एट योर ओन मिस्टेक्स कैन लेंथन योर लाइफ, कि अपनी अगर आप गलतियों पे, भूलों पे, त्रुटियों पे मुस्कुराओगे, हंसोगे, तो इससे आपकी आयु लंबी हो जाएगी। अपनी गलतियों पे मुस्कुराना सीखो, रोने ना लगो और आगे सुधार लो उसको, लाफ अवे कहते हैं इसको। लेकिन शेक्सपियर की वाइफ ने फिर एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट दी, लाफिंग एट योर वाइफ्स मिस्टेक कैन शॉर्टन योर लाइफ, कि अपनी गलतियों पे तो भले मुस्कुराओ, लेकिन अगर आपने अपनी पत्नी की गलतियों पे मुस्कुराया तो फिर आपकी आयु लंबी नहीं होगी, फिर आयु छोटी हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हैं इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, सब बहुत अनुभवी बैठे हुए। राजयोग क्या है, ये चित्र देखिए, बहुत सुंदर चित्र है ये, ये एक यात्रा के लिए वे है, रास्ता है, सामने सूर्य है, ऐसे ही राजयोग है, परमपिता परमात्मा सूर्य की तरह जो हर प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है, और हमें उस यात्रा पर निकलना है। ये तो बाहर की यात्रा दिखाई है, लेकिन राजयोग जर्नी इनवर्ड्स, यात्रा जो है भीतर की है, अंदर की यात्रा है। अंदर कौन है हम जानते हैं, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, तो हमें उनको एक्सप्लोर करना होगा, अपने ही मन बुद्धि को एक्सप्लोर करना है,
अपने ही मन बुद्धि की जांच करनी है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या निर्णय लेता हूँ, मैं क्या क्रियाएं करता हूँ, मेरी हैबिट्स क्या हैं, मेरी मेमोरी क्या है, मेरी इमोशंस क्या हैं, क्या मैं उनको रैशनलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं राजयोग के द्वारा हमें हमारे भीतर नेचुरल आनी शुरू हो जाती। मेडिटेशन जो है राजयोग मेडिटेशन इज द जर्नी इनवर्ड्स, ये भीतर की यात्रा है। जब हम बाह्य जगत से भीतर की ओर मुड़ते हैं, बाहर के जगत में तो कोलाहल बहुत है, शोर बहुत है, नॉइज बहुत है, हमें आदत पड़ गई शोर की, और जब भीतर जाते हैं तो वहाँ शोर नहीं। लेकिन हमारे अपने जो बाहर के जगत से हमने संस्कार लाए हैं उन्हीं का शोर वहाँ भी है। आंखें बंद करेंगे, सपने देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, ख्वाहिशें होंगी, वो सारे भी कहाँ हैं, बाहर के जगत से भीतर के जगत में। हमारे जो रात को भी सपने आते हैं उसमें भी क्या होता है। तो मेडिटेशन इज द जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा। और इससे हम क्या करते हैं, आत्म अनुसंधान क्या करते हैं, आत्मा का अनुसंधान करते, खुद को खोजते हैं, खुद को पाने के लिए, क्योंकि हम खुद से बहुत दूर निकल गए। हमने एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लिए, जो असली चेहरा वो खो गया। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो लेयर दर लेयर कॉन्शियसनेस की, लेयर दर लेयर बहुत लेयर्स हैं हमारी पर्सनैलिटी की। हमें खुद ही पता नहीं हमारा असली व्यक्तित्व क्या है, मैं असली क्या हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ ओढ़ लिया अपने ऊपर, मुझे लगना शुरू हो गया ये भी मैं ही हूँ। लेकिन वो मैं नहीं हूँ। भगवान हमें सेल्फ डिस्कवरी की विधि बताता है कि तुम राजयोग द्वारा तुम अपनी लेयर्स को हटा सकोगे और तुम जो भीतर तुम्हारा असली स्वरूप है उसको प्रकट कर सकोगे। सो मेडिटेशन इज टाइम टेकन फॉर क्वाइट रिफ्लेक्शन एंड साइलेंस। हमें क्या करना है इसमें, क्वाइट, शांत, साइलेंस, स्टिलनेस, शांत हो जाना। ये जो संसार के हसल एंड बसल है, शोर शराबा है संसार का, इससे परे थोड़े क्षण अपने लिए, मौन के क्षण, आनंद के क्षण, मस्ती के क्षण अपने साथ बिताएं। हर वक्त हम बाहर के जगत में लगे हैं, कभी खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए, और हम खुद भी जो है उसको भी जानते नहीं कि असली डिमांड है क्या। हम सोचते हैं हमें आनंद वस्तुओं से आएगा, व्यक्तियों से आएगा, व्यक्ति भी मिल गए, वस्तुएं भी मिल गए, जो श्रृंगार का साजो सामान भी खरीद लिया, लेकिन वो भी फिर लॉकर्स के अंदर पड़े हुए। तो हम लोग अपना वास्तविक श्रृंगार तो कर ही नहीं पाए। तो क्वाइट रिफ्लेक्शन, बैठ के एकांत में एकांतिक चिंतन करना, साइलेंस में जाना, अपने आप को फेस करना, अपने आप को देखना मैं कौन, यह हमें राजयोग सिखाता है। क्वाइट रिफ्लेक्शन इन साइलेंस, हमें अपने साथ मौन होके बैठना है। Taking time out enables us to come back to our centered place of being. हमारा केंद्र कौन सा है, हमारी धुरी कौन सी है, ये सारा जो कुछ घूम रहा है पृथ्वी पर, सरकमफ्रांस पर, इसका केंद्र बिंदु कौन सा है। वो केंद्र बिंदु मैं ही हूँ, वो केंद्र बिंदु मैं, मैंने आत्मा, सबके सेंटर पर मैं हूँ। इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं को जानना है, सेंटर में मैं ही हूँ, जो कुछ हो रहा है, मेरी जितनी भी एक्टिविटी है,
मेरे लोगों से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी है, मेरों से जुड़ी जो एक्टिविटी है, मेरेपन से जुड़ी जो एक्टिविटी है, उनका केंद्र बिंदु मैं हूँ, तो उस केंद्र बिंदु पर लौट के अपने आप को देखना है कि मैं सही जा रहा हूँ, कोर्स करेक्शन करनी है हमें अपनी, कोर्स करेक्शन, रास्ता हम भटक तो नहीं गए, उस रास्ते को हमें फिर से पहचानना है। विदाउट मेडिटेशन क्या होता है, मान लो जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं सीखा तो क्या करेंगे, संसार में लगे रहेंगे, हम लोग, उनको पता ही नहीं होगा कि मेरे भीतर जो आत्मा है उसको क्या चाहिए, उसको उसका फूड कौन सा है। आज आत्मा स्टारवेशन में है, उसको गुड थॉट्स नहीं मिल रही है, कचड़ा लिटरेचर मिल रहा है थ्रू मोबाइल इंटरनेट, आप चाहे ना चाहे आपको परोसा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, मानसिकता हमारे युवाओं को पथ भ्रष्ट करने की योजना, ये सोशल मीडिया चारित्रिक पतन का बड़ा कारण बन रहा है, और उसको सोवट कल्चर से जोड़ दिया है, कुछ भी हो जाए सोवट, क्या हो गया, ये प्रमिसिव सोसाइटी बनती जा रही, वेयर एवरीथिंग इज, एवरी नॉनसेंस इज परमिटेड, जहां पे कुछ भी परमिट कर दिया है, ये बड़ी एक दुखदाई घटना है। आज से कुछ साल पहले जब सही नहीं, ये होता नहीं था, ये टेक्नोलॉजिकल साधन, तो लोग बड़े सुखी थे, मासूम थे, अब वो मासूमियत बच्चों की खत्म हो गई। कल हमने वो बताया था ना कि मेरे दिल के किसी कोने में एक बच्चा, बड़ों की, मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, वो कोने में बैठा बच्चा वो बड़ा ही नहीं होना चाहता, कहता है अरे ये बड़ों की दुनिया तो बहुत खतरनाक, यहाँ छल कपट बहुत, तो वी नो लॉन्गर फील कनेक्टेड विद आवर बीइंग, हम अपने से जुड़े नहीं, अपने पिता से जुड़े हुए नहीं, हम एक तरह के ऑर्फन्स हैं, यतीम है, अनाथ, फादर जो है उससे हम डिसकनेक्टेड है, डाइवोर्स्ड है, तो उससे कनेक्शन तो जुड़ना चाहिए, तो राजयोग उससे कनेक्शन जोड़ता है, नहीं जोड़ेंगे तो चारों तरफ से हमें पुशेस एंड पुल्स, तो क्या होगा, वी कैन एक्सपीरियंस आवर सेल्फ पुश्ड एंड पुल्ड इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस, तो कभी कहीं से, कभी कहीं से, कहीं प्रेशर्स आ रहे हैं, कहीं पुल्स आ रहे हैं, कहीं पुशेस आ रहे हैं, और वैसे धकेले जा रहे हैं, हमारा अपना कोई स्टैंड ही नहीं, जिधर परिस्थितियां ले जा रही हैं वहां जा रहे हैं, हमारा अस्तित्व तो तिनके जैसा हो गया, हवा जहां ले जाए अपना कोई स्टैंड ही नहीं, वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, और फिर क्या होता है आज के युग में, हमें स्ट्रेस होने लगता, लोग नौकरी करते हैं तो स्ट्रेस में, बिजनेस करते हैं तो स्ट्रेस में, जिनको नौकरी नहीं मिली बिजनेस नहीं है तो स्ट्रेस में, जिनको मिल गई बिजनेस हो गया वो स्ट्रेस में, जिनकी शादी नहीं हुई वो स्ट्रेस में, जिनकी शादी हो गई वो स्ट्रेस में, जिनकी संतान नहीं है वो स्ट्रेस में, जिनकी हो गई तो कहते हैं क्यों हो गई है, भूत प्रेत, तो हर वक्त स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, क्योंकि सोर्स से जुड़े नहीं, अपने सेंटर से, केंद्र से जुड़े हुए नहीं, अपने बीइंग से जुड़े हुए नहीं, अपने स्वरूप से जुड़े हुए नहीं। ग्रेजुअली ओवर टाइम दिस फीलिंग लीड्स टू इलनेस एंड डिजीज, इससे क्या होता है धीरे धीरे, मान लो आप लंबे समय तक स्ट्रेस में, तनाव में लंबे समय तक, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे बीमारियां पैदा होंगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, वो धीरे धीरे ठीक होंगे ना,
जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने आप को प्रॉपरली पहचानेंगे नहीं, तब तक यही हाल होगा। तो फीलिंग लीड्स टू इलनेस एंड डिजीज एज आवर मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ इज थ्रोन आउट ऑफ बैलेंस। फिर हमारा ये जो फिजिकल इमोशनल मेंटल प्लेन है, जो पर्सनैलिटी के, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, हम डिसइंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी होंगे, हम इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं होंगे, क्योंकि अलाइनमेंट ही नहीं है फिजिकल इमोशनल मेंटल में स्पिरिचुअल में। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन है। और क्या फायदे हैं, मैं क्या पहले फायदे बताने चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा कैलकुलेटिव है, वो कोई भी काम करता है तो पहले पूछता है मुझे इसका फायदा बताओ, लाभ क्या है इसका। अगर लाभ उसको समझ में आ जाए तो वो काम करने लगता है, और अगर उसको लाभ समझ में ना आए तो वो काम नहीं करता हो। तो आजकल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत हैं, वो दूर कैसे हो सकते हैं? आप किसी के पास भी चले जाओ, जितने मनोवैज्ञानिक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, वो एक बात सबको कहते हैं कि गो फॉर मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी उसके पास भेजते हैं कि आश्रम ज्वाइन कर लो, जिनको पता है, बड़े बड़े डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, क्योंकि ये यहाँ शिव बाबा भी आगे हमारा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इलाज कर रहा है। हमारी सोल भी बीमार है, इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो बीमार ना हो, साइकोलॉजिकली सब सिक है, कोई भी महात्मा धर्मात्मा इससे बचा हुआ नहीं, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहां पे भी कंपटीशन है और कंपैरिजन है। तो इनसे मुक्त कैसे हो, इससे मुक्ति का साधन है मेडिटेशन, हम स्वस्थ हो जाए, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, बौद्धिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये राजयोग मेडिटेशन, जब मन के धरातल पे हम स्वस्थ होते हैं तो शरीर में जो है हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सीरोटोनिन जैसे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही हीलिंग होने लगती है, हमारे भीतर शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है, हीलिंग हार्मोन सिक्रीट होती है। तो हमें मेडिटेशन सीखना जरूरी है, इससे हमारे भीतर की जो नेचुरल पावर्स हैं, जो नैसर्गिक शक्तियां हमारे भीतर, जो हमारे नैसर्गिक गुण है आत्मा के, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, वो सब धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, हम बड़े गुणवान बन जाते हैं, हम जो है गुणवान बन जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है मेडिटेशन सीखना है, इससे क्या होगा, दिस ट्रेन्स आवर माइंड टू बी आवर फ्रेंड, हमारा मन हमारा दोस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी कला है ये, टू मेक माइंड योर फ्रेंड, मन को अपना दोस्त बना लेना, इससे बड़ी कोई कला नहीं है, मन को दोस्त बना लो, ये राजयोग सिखा देता है। क्योंकि मन से युद्ध करोगे तो खुद ही हारोगे, मन को वैसे जीत नहीं सकते हो, मन के विरोध में खड़े हो के मन को कोई नहीं जीत सका आज तक, मन से दोस्ती कर लो, जैसे छोटा बच्चा है, बाल हट होता है ना, जैसे बाल हट, ऐसे मन भी बच्चे की तरह, मन तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, तो ये बाल हट है, मन को दोस्त बना लोगे, प्यार से उसको
कुछ अच्छी अच्छी चीजें दोगे, अच्छे अच्छे गुण दोगे तो वो मान जाएगा आपकी बात। उससे प्यार से बात तो करके देखो, हमें मन से बात नहीं करनी आती, सेल्फ टॉक नहीं आती है। भगवान आके कहता है सेल्फ टॉक करो, मेरे से टॉक करो, भगवान से बात करो, भगवान से दिल की बात। राजयोग मेडिटेशन क्या है? भगवान को पहले समझ लो, हु इज गॉड, परमेश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, किसको किससे जोड़ना है। क्योंकि योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो हम देखेंगे कि राजयोग शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन उससे पहले हम ये जान रहे हैं कि ऐसी ही विधा है राजयोग, जिसके द्वारा हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड फॉर रिमेनिंग हैप्पी अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, कूल एंड काम। आदत हो जाती है आपको शांत रहने की, परिस्थितियां आएंगी लेकिन आप झेलना सीख जाएंगे, फेस हाउ टू फेस द सर्कमस्टांसेस। आपके रिएक्शंस बदल जाएंगे, आपके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, और वो भी बड़े जो है ना फाइन ट्यून्ड रिस्पॉन्सेस, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स, जिससे आपको सुकून मिलेगा। आवर माइंड एंड बॉडी समटाइम्स वर्क वेल एंड एट अदर टाइम्स मे नीड काम एंड एक्सरसाइज टू गेट बैक टू ए हेल्दी पाथ। मन को भी एक्सरसाइज चाहिए, मन को शांति चाहिए। शरीर को जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर रेस्ट में बैठ जाए, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही मन को भी शांति चाहिए। मन भी रेस्ट में जाना चाहता है, मन भी विश्राम करना चाहता है, लेकिन मन का विश्राम होता नहीं, ओवर थिंकिंग, ओवर एम्बिशंस। भागते रहो, भागते रहो, कब तक भागोगे? तो ये सीखना होगा हमें मेंटल एक्सरसाइज। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, जिंदगी में हम भूलें करते हैं और हम रिसोर्सेज को भी वेस्ट करते हैं, जो हमारे पास संसाधन है उनको भी हम कई बार वेस्ट करते हैं। और सूक्ष्म में हमारे पास कौन से संसाधन है? वो है मन बुद्धि। मन बुद्धि बहुत बड़े संसाधन है, ये इनर रिसोर्सेज है हमारे, इनको भी हम वेस्ट करते रहते हैं। हमारी कंपनी घाटे में जा रही है क्योंकि रिसोर्स वेस्टेज बहुत है। वी वेस्ट आवर वर्ड्स, हमारे शब्द व्यर्थ जाते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं, किसी भी टोन में बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लग जाए, हम व्यंग्यात्मक बोल देते हैं, आयर टॉन्टिंग वे में बोल देते हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग को वेस्ट, थॉट्स को वेस्ट कर रहे हैं, बिना मतलब के लगे हुए, अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, इनको वेस्ट ना करें, उससे कैसे बचें, ये हमें राजयोग सिखाता है। क्योंकि हम माइंड को ट्रेनिंग दे देंगे तो हमारी वेस्टेज स्टॉप हो जाएगी, और जहां वेस्टेज स्टॉप हो तो क्या होता है, अगर वेस्ट स्टॉप तो बेस्ट बन जाते हैं। जहां वेस्टेज मिनिमम हो या नो हो, नो वेस्टेज, तो वो मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है, तो हमारा सिस्टम भी मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए ये हाई टाइम है, उचित समय है ये कि हम पॉज एंड थिंक, पॉज एंड पॉन्डर, थोड़ी देर हम रुकें। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल पे हम रुकते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल बहुत, हम स्पीड से जा रहे हैं, 100 की स्पीड से जा रहे हैं और लाल बत्ती आ गई तो वहां रुकना पड़ेगा। ये भी जिंदगी में अपने को लाल बत्ती दिखाओ, रुको थोड़ी देर और सोचो मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरा मंजिल जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे क्या मिलने वाला है,
उसका लॉन्ग टर्म जो है फाइनल रिजल्ट्स क्या निकलने, पॉज एंड पॉन्डर, रुको और अपने निरीक्षण करो, परीक्षण करो और डीपली थिंक करो अबाउट व्हाट मैटर्स मोस्ट इन लाइफ। ये सोचो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, अनइम्पोर्टेंट क्या है। इंसान भी कमाल का है, जो अनइम्पोर्टेंट है उसके ऊपर तो मैक्सिमम टाइम देता रहता है और जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर टाइम नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो हम इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कह रहे हैं उसकी दृष्टि में वही इम्पोर्टेंट है। तो राजयोग क्या करता है, इट चेंजेस योर वैल्यू सिस्टम। आपका वैल्यू सिस्टम जो है उसको चेंज कर देता है। वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया तो आपको पता लगता है ओहो हो इम्पोर्टेंट तो ये था, हमने अनइम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट समझा, हमने सेल्फ डिस्कवरी को अनइम्पोर्टेंट समझा, हमने सेल्फ मैनेजमेंट को अनइम्पोर्टेंट समझा। हम दूसरों को मैनेज करते रहे, खुद को मैनेज नहीं किया, इसलिए जब दूसरों को मैनेज करते थे तो ये खुद दुखी हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे, एंग्री मैन बन जाते थे। तो इसलिए हमें जो है परमपिता परमात्मा आके एक वरदान दे रहा है, राजयोग सारी मानवता को दे रहा है, बच्चे आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी आंतरिक संपदा है उसको मैं उजागर कर दूंगा और ऊपर जो मल विक्षेप आवरण आया हुआ है, जो पर्दा आ गया ऊपर, जो आपका दर्पण मैला हो गया, मल आ गया उसके ऊपर, जो आप में विक्षिप्तता आ गई है, डिस्टर्बेंस आ गई माइंड की, मल विक्षेप आवरण उनमें सबको दूर कर दूंगा, तो मेरे से जुड़ना सीखो। फिर राजयोग के और क्या लाभ है, आज लाभ लाभ की चर्चा करेंगे। राजयोग सेट्स यू फ्री, ये तुम्हें मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, बंधन काट देता है, फ्रीडम देता है, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, इंडिपेंडेंस मोमेंट आ जाता है। राजयोग के द्वारा जितने बंधन हमारे बंधे हैं, जितनी रस्सियां हमने बांध रखी हैं, वो सारी रस्सियां कटने लगती हैं। तो हमें अभी ये समझना है कि हम राजयोग से इतने बेनिफिट हैं, तो हम उसको समझें राजयोग को। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। राजयोग सेट्स यू फ्री, मुक्त कर देता है। राजयोग रिलीजेस द पावर टू रिस्पॉन्ड विद लव। हमारे भीतर राजयोग उस पावर को रिलीज करता है जिससे हम परिस्थितियां आने पर भी बहुत प्रेम पूर्वक रिस्पॉन्ड करते हैं, कूलनेस से रिस्पॉन्ड करते, उत्तेजित नहीं होते, हम परेशानी में नहीं होते। राजयोग टीचेस अस टू स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व लाइफ, टेक ए काम ब्रेथ। इससे हम क्या सीखते हैं कि अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करना सीखें, मैं कहां जा रहा हूं, और शांत होकर अपना निरीक्षण परीक्षण करें। इट कूल्स आवर रिएक्शंस, ये हमारे रिएक्शंस को कूल करता है। एंड स्टेप फॉरवर्ड इन द वे वी चूज, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, और हमारा एक स्टैंड भी बनने लगता है क्योंकि हमारा स्वमान जागृत हो, हम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, अपने को प्यार करने लगते हैं, सबको प्यार करने लगते हैं, सबका सत्कार करते हैं, खुद का भी सत्कार करते हैं, खुद को शाबाश देना शुरू कर देते हैं। तो ये राजयोग के बेनिफिट्स हैं।
अभी हम मुरली मंथन के कुछ पॉइंट लेंगे, कल फिर इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। आज के मुरली मंथन में बाबा ने कहा शिव भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, वर्तमान समय विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मोस्ट क्रूशियल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत एक क्रूशियल समय में से गुजर रहे हैं, बहुत विचित्र समय है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, ये संक्रांति की वेला है। संक्रांति का मतलब हम समझते हैं ना, हर महीने संक्रांति आती है। संक्रांति वाले दिन क्या होता है, सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। ये 15 तारीख हर महीने की 15 तारीख से के आसपास होता है, 13 से लेकर 17 के बीच में होता है। ये संक्रांति की वेला है। यहाँ पे तो युग परिवर्तन की वेला है, चेतना परिवर्तन की वेला है। तमोगुणी चेतना से सतोगुणी चेतना में कन्वर्ट होने की वेला है। ये संधि काल चल रहा है, 2 युगों की संधि है। ये कुंभ का समय है, जैसे नदियां मिलती हैं ना प्रयाग में, या गंगा सागर एक बार, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा और सागर का मिलन, ये मिलन का समय, युगों का मिलन है। कलयुग का तमोगुण और सतयुग का सतोगुण हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, दोनों धाराएं चल रही हैं। तमोगुणी धारा भी चल रही है, संसार तमोगुण की तरफ भी बढ़ रहा है, पापों की तरफ भी खूब बढ़ रहा है, और सतोगुण की तरफ भी अब जितनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो भी अपना जोर लगा रही हैं अब, और वो जोर लगना ही है, वो होना ही है, और ये अवश्यंभावी है। तो ये आत्मा परमात्मा के रूहानी मिलन की वेला है। इस वक्त परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर हम सब आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि राजयोग के बिना, योगी बनने के बिना आत्मा पवित्र नहीं बन सकती, आत्मा से विकारों से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि विकारों को तो हमने अपना स्वरूप समझा हुआ है। ये पुरुषोत्तम बनने की वेला है, जैसे श्री राम को वो लोग बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम शब्द का क्या अर्थ, पुरुष प्लस उत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुष मैंने आत्मा। ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, ये संसार 5 तत्वों का और आत्मा का खेल है सांख्य दर्शन के अनुसार। ये पुरुषोत्तम बनने की वेला है, परमात्मा हमें पुरुष से पुरुषोत्तम बना रहा है, आत्मा को श्रेष्ठ बना रहा है। इस समय कोई भी गलत काम पाप कर्म नहीं करने चाहिए, हमें बचना चाहिए गलत कामों से, गलत थॉट से, गलत शब्दों से। ये योगी बनने की वेला है, राजयोगी बनने की वेला है, राज ऋषि बनने की वेला है, ये ऋषि बनने की वेला है, ये सत्य अन्वेषण की वेला है, ये सत्य को आत्मसात करने की वेला है, ये पवित्र बनने की वेला है मन से वाणी से कर्म से, ये स्वयं को प्रभु के हवाले करने की वेला है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। तो जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, ये स्वाहा होने की वेला है। जो कुछ है परमात्मा के ऊपर स्वाहा कर दो, बलिहार जाओ परमात्मा पर, परमात्मा पिता को कहो मैं तेरा तू मेरा, ये अनासक्त होने की वेला है, डिटैच हो जाओ। सारा गीता इसी के ऊपर जोर देता है कि असंग होके कर्म कर, हे अर्जुन डिटैच होके, मोहग्रस्त होके नहीं। ये ममत्व मिटाने की वेला है,
मोह से मुक्त होने की वेला है, ये दुनिया को भूल जाने की वेला है। दुनिया को भूल जाओ, उसको याद करो बस। किसी का भी नंबर किसी भी वक्त आ सकता है। ये जीते जी मरने की वेला है, जीते जी मरना सीख रहे हैं हम। मेडिटेशन क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ डाइंग वाइल इन लाइफ। जीते जी मरने की वेला है, ये विकारी रिश्तों से मुक्त होने की वेला है। तो ये बहुत कमाल का समय है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको साधारण वेला नहीं समझो, ये साधारण काल नहीं है, बहुत क्रूशियल टाइम है। इस समय ईश्वर आकर हमें जीते जी अडॉप्ट करते हैं। पहले हम आश्री परिवार के थे, अब हम ईश्वर की अडॉप्शन में चले, हम परमात्मा की गोद के बच्चे बन गए। पहले हम रावण की गोद के बच्चे थे, अब राम की गोद में चले गए। हम लोगों ने पार्टी बदल ली है। ईश्वर सर्वशक्तिवान है, उनमें कशिश बहुत है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो खींचता है परमात्मा, हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम बोझिल, विकारों के कारण बोझिल हैं तो उड़ते नहीं है। भगवान हमें उड़ाना चाहता है, जैसे चिड़िया होती ना अपने बच्चे को घोंसले से उड़ाना चाहती, उसको चोंच मारती, उड़ जा, कब तक घोंसले में रहेगा। परमात्मा भी कहते हैं उड़, अब इस दुनिया में आके तू रेंगने लगा है, मैं तुझे उड़ना सिखाने आया। बहुत कशिश है उसमें। पहले जो आत्माएं संन्यास लेती थी, जो सन्यासी होते थे, एकांत में जाकर साधना करते थे, कोई जंगल होते थे, जंगलों में, अब जंगल भी मंगल हो गए, कोई हिमालय में चले जाते थे एकांत में, गुफाओं में, अब बहुत रेयर इवेंट हो गई है। अभी तो सन्यासी भी बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। अभी हमको बाबा कहता है तुमको भी बेहद के सन्यासी बनना है, इस दुनिया के किसी भी चीज में अटैचमेंट ना हो, कहीं कोई इच्छा ना बचे, ये चाहिए ये चाहिए, मिनिमम नीड पूरी करो बस, लग्जूरियस लाइफ छोड़ो। क्योंकि जितने संसाधन इकट्ठे करोगे, साधन इकट्ठे करोगे, उतनी उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। कोरोना काल में हमें कई लोगों ने कहा, बताया कि क्योंकि मेड सर्वेंट वगैरह कोई आता नहीं था, ना सर्वेंट थे, जो थे वो भी कई घरों में चले गए थे जिन्होंने रखे हुए थे, कोई नेपाल वाले थे वो भी चले गए थे। तो क्या हुआ, लोगों ने कहा, अरे हमने इतना सारा इकट्ठा कर लिया, इतने कपड़े पड़े हैं, इतने जूते पड़े हैं, इतने ये पड़े हैं, तो ज़्यादा अब इनमें जाने की जरूरत। बाबा कहते हैं नहीं, सन्यासी बन के रहो, किसी भी वस्तु में व्यक्ति में ममत्व नहीं होना चाहिए, मोह से मुक्त होना है, प्यार सबको करना है। प्यार विकार नहीं है, मोह को विकार में कहा, इसलिए गीता ज्ञान सुनाना पड़ा। ट्रस्टी होके चलो, गृहस्थी होके नहीं। ट्रस्टी अर्थात ये सब अमानत है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ट्रस्टी अमानत समझे, ये तन मन धन प्रभु की अमानत है, उसी का दिया है, और हम जाएंगे तो यही छोड़ के जाएंगे, क्यों ना उसको यूटिलाइज कर लें, सफल कर लें। सफल करेंगे तो फल मिलेगा, तो उसको यूज करें। प्रभु पिता पर सर्वस्व समर्पण कर देना है। वैसे भी कहते हैं ना, प्रभु मैं तेरी शरण में पड़ी, प्रभु की शरण में चले जाना है। अर्जुन को भी यही कहा गीता में, तू मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान प्रितज मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। अहम तो असर पापे वो मोक्षिष्यम, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत कर। तो इसलिए प्रभु पिता पर सर्वस्व समर्पण करने का अर्थ है उसके काम में सहयोगी बने हम। जीते जी मर जाना है, पुरुषोत्तम बनना है, लक्ष्मी नारायण की तरह, ये पुरुषोत्तम है।
श्रेष्ठ पुरुष, दिव्य गुणों से संपन्न, ये मृत्यु लोक है, काल किसी भी क्षण आ सकता है। ये मृत्यु लोक है, काल किसी भी क्षण आ सकता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। आजकल हम जानते हैं जवान जवान मौतें कैसे हो रही, मोटरसाइकिल से कितनी मौतें हो जाती हैं। और आजकल तो दुश्मनी भी बहुत है, लोग पाल लेते हैं, किसी के पास बहुत धन हो उसको भी खतरा है, जो गरीब है वो तो खतरे में है ही, जो बहुत अमीर है वो भी खतरे में है, जो हाई पोस्टों पे बैठे हैं वो भी खतरे में है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, जेड सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी, इसलिए योग बल द्वारा हमको पवित्र बनना है, इससे आयु लंबी हो जाती है, योग से आयु लंबी होती। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये पॉलिसी लेके चलो, दैवी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अभी हमें दैवी साम्राज्य, डिवाइन सावरन सावरेंटी, ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना होगी। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? जो आत्मा जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त तथा सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, श्री कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण हिंसक, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह देते। जीवन बंद कौन है? जो विषय विकारों से ग्रस्त फंसा हुआ है उसे पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, जो विषय विकारों में फंसा है, ग्रस्त है, वो जीवन बंद में है, जीवन मुक्त नहीं। तो हमारी यात्रा क्या है? जीवन बंद से जीवन मुक्त की। संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है, ये जो अभी समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम बनने का, श्रेष्ठ बनने का युग है भगवान की श्रीमत पर। इसलिए इस समय कोई भी हमें पाप नहीं करने चाहिए। कई लोग जानबूझ के भी पाप करते हैं, उनको पता होता है। आजकल आप देखते हो सामने सामने बाजार में खड़े को गोली मार देते, कई कई गोलियां एक ही बार, और मोटरसाइकिल पे बैठते हैं भाग जाते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते, अपहरण कर ले। बहुत ही भयानक समय है, इसलिए बुद्धि में हर पल ऑल माइटी अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, शिव बाबा की स्मृति होनी चाहिए बुद्धि में, तो सब प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा। आपके जीवन में मान लो कोई ऐसी घटनाएं हैं या प्रश्न है जिनका आप उत्तर चाहते हैं, तो अमृत वेले उठिए, परम पिता परमात्मा से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी समस्या भगवान के सामने रखो, अपने पिता के जो विश्व का बापू है वो समाधान देता है। राजयोग में हमें समाधान मिलते हैं, समस्याओं के समाधान हो जाते, बात करके तो देखो, बाबा को दिल से कहो तो सही, मेरा बाबा, मीठा बाबा, स्वीट बाबा, लवली बाबा, उसको बुलाओ तो सही, वो आपकी हर समस्या को हल करेगा। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तित कर देती है। परवश का क्या मतलब है? मोह माया के वशीभूत जो स्थिति है, अगर परम पिता परमात्मा पर मन को एकाग्र करेंगे तो मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो हम क्या होते हैं कि उसी के ऊपर ही हम केंद्रित करते हैं, विकारों पर ही केंद्रित करते हैं। भगवान कहता है विकारों से मुक्त होना, तो विकारों पे केंद्रित नहीं करो, विकारों से मुक्त होने पे, तो परमपिता परमात्मा पे एकाग्र करें। बाकी हम कल जो है इसकी और व्याख्या करेंगे, अभी टाइम हो गया है, अभी हम 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे। यश जी से अभी एक गीत भी सुनेंगे हम। तो ये राजयोग की हम चर्चा कर रहे थे।
इसकी विधि क्या है, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। हम कुछ दिनों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कई फोन आते थे कि हमें जो है इसको और स्पष्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक एक बार फिर लिया जाए। शुरू में हमने ये लिया था टॉपिक, तो उस वक्त शायद कुछ आत्माएं उसको ठीक से ग्रैस्प नहीं कर सकी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ कि हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपने को चार्ज कर सकते हैं, अपनी बैटरी को, ताकि जिंदगी के इंचार्ज बन सकें। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें एक गीत सुनाएं बाबा की स्मृति का, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं, रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, गिरे हूँ को पूछे न कोई, गिरे हूँ को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तेरे प्यार की किरने आई, मेरा मन तुझ में हो जाए, तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं।
बहुत ही सुंदर गीत है, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं, क्योंकि तूने मेरे भाग्य की रेखा ही बदल दी है। इसलिए परमात्मा को भाग्य विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। कई लोग बोलते भी हैं, जब ब्रह्मा ने भाग्य लिखा या प्रभु ने भाग्य लिखा तो आप कहाँ सोए हुए थे। इस वक्त वो भाग्य लिख रहा है, कर्म श्रेष्ठ कर्मों से ही भाग्य बनता है। तो रोम रोम से उसकी हम महिमा गाएं और उसकी प्यार की किरणों में हम खो जाएं और हमारी जो है भाग्य की रेखा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। ये परमात्मा के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। चलो अब हम थोड़े समय के लिए सब उड़ते हैं, इस देह को हम आज छोड़ने की कोशिश करेंगे, जीते जी मरने की कोशिश करेंगे। मरने का मतलब सिंपली ये होता है, सोल एंड बॉडी अलग हो गए, दैट्स ऑल। कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, आत्मा को शरीर से अलग करना। मृत्यु को जानते हैं कि मृत्यु होती है, आत्मा और शरीर अलग होते हैं। हम लोग रोते इसलिए हैं कि ये इससे जो है दोबारा मुलाकात नहीं होगी, ये नाम रूप नहीं रहेगा और फिर इस आत्मा से दोबारा मिल नहीं पाएंगे। अगर हमें पता हो कि ये फिर घूम फिर के यहीं आ जाएगा तो कोई हमें वो नहीं होगी प्रॉब्लम। तो आज हम क्योंकि तो सबसे ज्यादा डर हमें किस चीज का लगता है, सबसे बड़ा भय मौत का भय होता है, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, सोल कॉन्शियस बनो और हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाने का आज प्रयास करेंगे। जो हमारा घर है वहाँ जाएंगे हम, जो सूर्य चांद सितारों से पार है, ना तद्भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वही मेरा परम धाम है जहाँ सूर्य चांद सितारे किसी की रोशनी अग्नि किसी की रोशनी वहां पहुंचती नहीं है। सबसे परे है, प्रकृति से परे है, ये शरीर प्रकृति का बना है, हमें प्रकृति से पार जाना है, हमें इसको ट्रांसेंड करना है, इस शरीर से परे जाना है। तो अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए पहले, आंखें खुली रखें या बंद रखें, लेकिन आधी खुली आधी बंद बेस्ट होती है। भ्रिकुटी के अंदर अखंड ज्योति का दर्शन करें, मेरे मस्तक में अजर अमर अविनाशी आत्मा विद्यमान है, ये शरीर नाशवान है, मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं। I am immortal, I am eternal, I am beyond death. मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं शरीर नहीं हूं, ये तो बड़ा छोटा होता रहता है। पैदा हुआ तो कितना था, अब कितना हो गया, बुढ़ापे में फिर छोटा सा हो जाता है, वजन गिर जाता है। मैं ये शरीर नहीं हूं बदलने वाला, मैं चैतन्य जो कांस्टेंट है, जो बचपन का भी साक्षी है, जो जवानी का भी साक्षी है, जो बुढ़ापे का भी साक्षी है, मैं वो आत्मा हूं जो तीनों को जानता है, अपने बचपन को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। आई एम दैट सोल, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लव। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, माई ओरिजिनल रिलीजन इज पीस।
लंबे गहरे सांस लें, श्वास भीतर ओम साथ में मन में चले, श्वास बाहर शांति मन में चले। ओम शांति, ओम शांति। श्वास के साथ मन में ये चलता रहे। शरीर को भिन्न करके देखो, ऐसे समझो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो गई हूं। मेरे भीतर से सूक्ष्म शरीर निकला है, मेरे जैसा प्रकाश कणों से बना हुआ, जिसके मस्तक में भी आत्मा है, विशिष्ट रोशनी वाली, मस्तक में विशेष रोशनी, शरीर भी सूक्ष्म शरीर तेजस तत्व का बना हुआ है, प्रकाश का बना हुआ है, आंखें भी प्रकाश की, सारा शरीर भी प्रकाश का, आंखें चमक रही हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। अभी हम सूक्ष्म शरीर द्वारा सूर्य चांद सितारों से परे, जैसे पक्षी अंतरिक्ष में उड़ते हैं, ऐसे मैं फरिश्ता बनकर, एंजल बनकर, पवित्र आत्मा बनकर, सूर्य चांद सितारों से परे ब्रह्मा विष्णु पुरियों की, विष्णु शंकर की पुरियों में जा रहा हूं। ब्रह्मा बाबा से बात कीजिए, रूह रिहान कीजिए, दृष्टि लीजिए, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लीजिए, विष्णु जी से दृष्टि लीजिए, पवित्र दृष्टि शंकर जी से दृष्टि लीजिए। सूक्ष्म शरीर यहीं रह जाएगा, इसकी यात्रा आगे नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर भी मेरा विलीन हो गया है, केवल बिंदु आत्मा बची, ज्योति बिंदु। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और ऊपर परम धाम में प्रवेश कर रही हूं, ब्रह्म धाम में प्रवेश कर रही हूं, शांति धाम में प्रवेश कर रही हूं, सत्य धाम में प्रवेश कर रही हूं, परम धाम में प्रवेश कर रही हूं, निर्वाण में प्रवेश कर रही हूं, निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम, जहां कोई आवाज नहीं, कंप्लीट सन्नाटा है, साइलेंस, केवल बिंदु। वहां अनेकानेक बिंदु है, ज्योति बिंदु, और सबसे ऊपर बड़ी क्षमा परमात्मा, ज्योति बिंदु।
गुणों के सिंधु, हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के पास आत्म स्वरूप में बैठी हुई हैं, ज्योति स्वरूप में बैठी हुई हैं। परमात्मा पूर्ण पवित्र चेतना है, परमात्मा में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो संपूर्ण प्योर है, होलीएस्ट ऑफ द होली है। हम आत्माओं में इम्प्योरिटी बहुत है, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठ जाओ, धीरे धीरे इम्प्योरिटी समाप्त होकर मैं आत्मा पवित्र बन जाऊंगी। जो भी आत्मा पर लगे हुए धब्बे हैं पापों के, वो परमात्मा उसकी स्मृति से मन को एकाग्र करने से जैसे लेंस के द्वारा अग्नि प्रकट हो जाती है और काले धब्बे को मिटा देती है, इसी तरह आत्मा पर पड़े हुए काले पापों के धब्बे मिट रहे हैं, ऐसा बोध जागृत करो। मैं आत्मा फ्लॉलेस डायमंड बनती जा रही हूं, फ्लॉलेस डायमंड जिसमें कोई धब्बा नहीं, कोई दाग नहीं, बेदाग हीरा। मैं आत्मा बेदाग हीरा बनती जा रही हूं। परम पिता परमात्मा हम सबको अपनी रोशनी दे रहे हैं, रोशनी की किरणें, लव एंड लाइट, लव की किरणें, लाइट की किरणें परम पिता परमात्मा हम सबको दे रहे हैं, उसका अनुभव करो। स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, वहां शांति ही शांति है, इस दुनिया की कोई आवाज नहीं, पांच तत्वों की कोई आवाज नहीं, निर्वाण वाणी से परे, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ बैठे हैं बिंदु रूप आत्मा बनकर, बॉडीलेस स्टेज, इनकॉर्पोरियल स्टेज, पारलौकिक स्टेज। केवल आनंद है, शास्त्रों में से कैवल्य की स्थिति बताया। परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं पर पवित्र किरणें बरसा रहे हैं, हम सब आत्माएं पवित्र बनती जा रही, निर्मल बनती जा रही, शुद्ध बनती जा रही। अपने आप को पकड़ो मत, अगर बाबा खींचते हैं अपनी तरफ तो उड़ के चले जाओ, डरने की बात नहीं है। कुछ आत्माओं ने अनुभव सुनाया कि बाबा खींच रहा था लेकिन हम उड़े नहीं, खींच बहुत थी। वैसा नहीं करना है, बाबा खींचे तो उड़ जाना है, बाबा के पास चले, बाबा के सानिध्य में चले जाना, शिव बाबा के ज्योति स्वरूप के शिव बाबा, सर्व का कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता, वहां पर कोई आवाज नहीं, शांति ही शांति। धीरे धीरे अब वहां से वापस लौटेंगे, परमधाम से आत्मा नीचे आ रही है, सूक्ष्म वतन से होती हुई ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों को पार करती हुई नीचे अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही है। जैसे रॉकेट नीचे उतरता है, ऐसे मैं आत्मा इस पृथ्वी पर आ रही हूँ। पृथ्वी पर अपने शहर में
अपने घर में इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं, मेरे भीतर शांति की शक्ति की अनुभूति है, पावर ऑफ पीस। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आधा मिनट ऐसे ही बैठे रहिए, लंबे गहरे सांस लें, लेकिन धीरे 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 लंबे गहरे सांस, आवाज नहीं आनी चाहिए, जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे। मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, मन रिलैक्स हो गया है, बुद्धि रिलैक्स हो गई, मस्तिष्क रिलैक्स हो गया, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें, तो अनुभव करते रहें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पर लगाओ, अपने चेहरे पे लगाओ, अपनी बाजुओं पे लगाओ, अपने घुटनों पे लगाओ, शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम हो वहां लगाओ, अपने शरीर को हीलिंग टच दो, एक बार फिर करो। कल हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बरेली से भी जुड़े हुए हैं, बॉम्बे से भी जुड़े हैं, पटना से चहल साहब जुड़े हुए हैं, नेकानेक आत्माएं जो है जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोग जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। किसी को कोई प्रश्न करना हो, थोड़ी सी चर्चा हम कर सकते हैं, नहीं तो कल टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। मेडिटेशन के द्वारा, ये जो मेडिटेशन अभी हमने किया है, रात को सोने से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं होती वो भूल जाती है, तो हमें जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलो सभी मिलकर दोनों हाथ जोड़ लें, समस्ता सुख, लंबा गहरा सांस, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं यहां से, कुछ आत्माओं ने ओम शांति संदेश भेजे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। इसी तरह जुड़ते रहिए, अपने मित्र दोस्तों को भी जोड़ो, और जो भी आपके प्रिय हैं उनको कहो कि इस प्रोग्राम से जुड़ें, ताकि अनेकानेक आत्माओं को
प्रभु पिता का संदेश मिल सके और हम सब उससे जुड़ सके और अपने जीवन को धन्य धन्य कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहो, मौज में रहो, परम पिता परमात्मा की याद में रहो। ओम शांति।